गाइस मायरा उठ गई है, मायरा ने दूध पी लिया है और उसका नाइट सूट थोड़ा सा बड़ा है, कोई नहीं, बट मैंने इसी हिसाब से मंगाया था कि मैं रात को डाल दूंगी इसको। और 12 जस्ट बजने ही वाले, बाहर सब बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है यहाँ, बहुत ही सही। यार चलना रील बना लो, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ 7 मिनट बचे, आराम से लेट के दोनों बैठे हुए हैं, लेट के बैठे, ओ सॉरी, लेट के राइम्स देख रहे हैं। मैं केक वेक निकालने जा रही हूँ। हैप्पी बर्थडे मिला बच्चा, लव यू मायरा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मायरा। चलो केक काटेंगे। क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग। अबे क्लिक करना जा रही है, बजाओ चिया। बर्थडे माय डॉलो, ये लो हमारे डोनट, हमारे डोनट, हमारे डोनट, यमी डोनट का हाथ धो, डोनट खाना तो नहीं है, हम डोनट खा लो, खा लो, खा लो, खाओ पहले खाओ। गुड गर्ल, पिक्चर्स ले लो सबके साथ। मुझे लगा डोनेट करेंगे वो, डोनेट नहीं, तमन्ना थोड़ा सा खिलो बेटा, थोड़ा सा खा लो तम्मा दीदी से। अच्छा पिक्चर ले लो, पिक्चर ले लो तम्मा दीदी। क्या खिला दो, ये
अरे लो ये लो वापस रख दिया। ओहो उंगली देखो कैसे चल। मायरा मायरा सुनो, अच्छा ये ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला ऑरेंज। अबे उसका नाइट सूट तो देख लो, उसका नाइट सूट तो देख लो। निक्कर तमन्ने के निक्कर ऊपर करियो। ये क्या है, नीचे का छोटा है ऊपर का बड़ा है, शक्ति कपूर का नहीं होता। चलो यार हम खाते हैं, चलो। अच्छा कल टाइम से आ जाना, ठीक है? क्या पहन रहे हो? कल देखना सरप्राइज। चलो ये है गौड़ी जो दीपू ने करी है मायरा को। माय लकी कार, उसने खोली है। के पास तो मर्सिडीज है, उसने खोली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उतरी उतरी ऐसे नहीं मारा, गेट खुलेगा। वेट वेट, अरे 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 ओए ओए वाइला, उतर उतर उतर। मेरे बैठ जाओ, मेरा गेट बंद कर लो, दरवाजा बंद करो, क्लोज डोर क्लोज करो। मेरा बंद कर दो, गेट बंद कर दो। देखो 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 देखो, स्टेयरिंग तो देख ले जरा कैसे घूम रहा है। दीपू यहाँ चलाएगी कहाँ वो? बाय बाय कर दिया तेरे को। हाय नोनी, रिमोट से आप कर पाओगे? दीपू खुद बैठी है। ओए होए होए होए, इसकी गड्डी गाइस। अभी ना बहुत खतरनाक चीज करने वाली हूँ मैं, मायरा को ड्रेस ट्राई। कल जब हम ड्रेस ट्राई करवा रहे थे ना, मायरा बहुत रो रही थी और हम यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा अगर मायरा ने ड्रेस नहीं पहनी। और आप लोगों को पता है मुझे अभी अभी आज ही रिसीव हुई है ड्रेस, तो मुझे ट्राई करवा के देखनी है। और अब मैं ट्राई करवाने जा रही हूँ मायरा को ड्रेस। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कल रात के सेलिब्रेशन के बाद मैं व्लॉग अब स्टार्ट करूँ, बिकॉज कल रात को मैं बहुत थक गई थी, सभी थक गए थे। और अभी बस मायरा और दीपू सो रहे हैं, दीपू तो उठ गए हैं, उठते हैं थोड़ी देर, आँख खोलते हैं, फिर टाइम देखते हैं, फिर थोड़ा सा सो जाते हैं। और मैं मायरा को उठाना चाहती थी, मैंने रात को सोच लिया था मैं जल्दी उठा दूँगी ताकि वो दिन में अच्छे से सो जाए 3-4 घंटे, ताकि वो शाम को एकदम फ्रेश फ्रेश रहे, इन्जॉय करे अपना डे। बट वो अभी सो रही है और उसको हिला रही हूँ, वो इतनी गहरी नींद में है कि उसको पता भी नहीं चल रहा कि मैं उसको उठा रही हूँ। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, मायला का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी चिड़िया सोई नहीं रही थी रात को, अरे मैं हैप्पी बर्थडे
ऐसा कर। मायराज किसका हैप्पी बर्थडे है? ये देखो देखो, क्लैपिंग करके दिखाओ सारी को। अच्छा 1 2 3 4 कर दो। 1 2 उंगली देखो, उंगली 3 4 5 6 7 उधर 9 10 I love you too. इसको बोलना। अब मुझे बेडशीट चेंज करनी है तो इनकी नौटंकी स्टार्ट हो गई है। ये देखो मेरी क्यूटी को बिछाने दो। आज मायरा का क्या है? हैप्पी बर्थडे। कहाँ है? पीकाबू। 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 सो गाइस, मायरा नहाने जा रही है और मायरा पहन रही है अभी ये टॉप और ये स्कर्ट, लाइलैक पर्पल एंड मिंट। मम्मा देखो, मायरा का अभी का दिन की ड्रेस का कलर भी यही हो गया और शेल भी है इसमें, क्योंकि आज मायरा की थीम है मरमेड, तो मैंने इसके लिए टी शर्ट ऑर्डर कर दी थी, तो अभी दिन में मैं यही डालूंगी। गाइस, मायरा के बबल्स फेवरेट हैं, तो आज तो उसको खुश करना बनता है। मैं नहाने से पहले सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा इंजॉय करवा दूँ, बिकॉज आज तो थीम ही मरमेड है, तो मरमेड में तो बबल्स बनता ही है। मायरा बहुत खुश होती है बबल से, बहुत ज़्यादा। मैं पहले इसके बर्थडे के लिए भी सोच रही थी एक बबल्स मशीन करवा लूँ, बट फिर मैंने सोचा ना मायरा केक कट करेगी, ना इंजॉय करेगी कुछ भी, किसी के पास भी नहीं आएगी, पिक्चर्स भी नहीं क्लिक कराएगी, इसलिए मैंने फिर वो कैंसिल कर दी। गाइस, मैं अब जा रही हूँ मायरा को नहलाने, उसके बाद मैं उसको रेडी कर दूँगी और मैं नहाँगी जसमीत को, मेरा मेकअप करके, मेकअप पे भी निकलना है उसका, जो मेकअप है सुबह भी था एक मेकअप 7 बजे, और इसके बाद दोबारा उसको जाना है 2 बजे 2:30 बजे उसको निकलना है, फिर 4-5 बजे तक आएगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब बिजी वाला डे है आज, क्योंकि आज बहुत सारी वेडिंग्स, बहुत सारे बर्थडेज हैं, 2 अप्रैल बहुत ज़्यादा हैवी डेट है और मायरा भारी रह गई, तो जल्द से मैं मायरा को नहला दूँ। और मम्मी और तमन्ना भी गए हैं पार्लर, तमन्ना के मैं स्ट्रेट हेयर करवा रही हूँ और नेल एक्सटेंशन भी करवाने थे, उसको एक हाथ पे मन था बट एक्सटेंशन वाली स्टूडियो रॉयल से भी चली गई है, और मैं ग्लैम फैक्ट्री भेजूँगी, फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं एक मेरे पास स्टिक ऑन वाले नेल्स हैं वो मैं उसको लगा दूंगी, और मम्मी गई हैं अपनी डाई और नेल्स नेल पेंट करवाने। गुम्मी चलते आओ, अरे रेडी हो चुकी है, आओ चलो आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, बाहर चलो बाहर तो चले, अच्छा गोदी में आना है आपको, चलो। सो गाइस, हमारे रूम में जैसे कि आज टीवी नहीं है, टीवी ख़राब हो चुका है, एक हफ्ता हो गया है, तो मायरा यहाँ पे राइम्स देखेगी और मायरा रेडी हो गई है, अभी की ड्रेस भी देख वही कलर हो गई। ओ, सपना आंटी आ गई हैं और सपना आंटी मायरा के लिए गिफ्ट भी लेकर आई हैं, और अभी वो मेकअप सेटअप करेगी क्योंकि मेरा मेकअप हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैं बस नहाने जा रही हूँ, मायरा को नहला के मैंने जसमीत के रूम में छोड़ दिया है राइम्स लगा के, और फिर मेरा मेकअप करके जसमीत को निकलना है क्योंकि मेकअप पे, तो मैं नहाने जाती हूँ। मेरी ड्रेस तो गई हुई है यार माइनिंग के लिए, कभी शॉप से पंडित सचिन आ रहे हैं तो ये ट्रंक जाएगा ही मायरा के डेकोरेशन के लिए, चाहिए बड़ा ट्रंक। और मायरा खा रही है मटन पुलाव के, सिर्फ पुलाव, जरी रोटी और करेला, मुझे अब टाइम मिला है सुबह से कुछ खाने का, अगर मैंने नहीं खाया ना मैं फिर कुछ नहीं खा पाऊँगी। और यहाँ मेकअप की भी सारी तैयारियाँ हो गई हैं, ये रख गया सेटअप, ये क्या है, मैं अब आपसे पूरा रेडी होने के बाद मिलती हूँ। गाइस, मेरा मेकअप हो चुका है और अब मैंने लिप्स पे बोली लगा के छोड़ी ताकि मेरे लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएं, फिर मैं लिपस्टिक लगाऊंगी जिसमें चली गई अपने मेकअप के लिए। मायरा पीछे सो रही है, तमन्ना नहा लिया, मैं तमन्ना का मेकअप करना स्टार्ट कर रही हूँ और 3 बजने वाले हैं, तो मुझे फटाफट से तमन्ना को रेडी करना है और उसके बाद फिर मायरा को करना है, फिर मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं, फिर मेरा हेयर स्टाइलिस्ट आ जाएगा तब तक, तो फटाफट से करना है। इस बार आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं लेट नहीं करूँगी, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही जल्दी कर ली हैं, तो मेरा मेकअप देखो कैसा लग रहा है। मम्मा भी आ गई पार्लर से, क्या करूँगा बच्चा,
अब तो मायरा ने भी कह दिया, अब कोई दीदी अब कोई कहे जाना कैसा भाड़ में जाए, जिसको पसंद आना था उसको तो आ ही गया। क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं। साड़ी फीलिंग साड़ी कटा कुत्ता टॉमी साड़ा कुत्ता कुत्ता हैप्पी बर्थडे। मायरा सबको थैंक यू कैसे बोलेगी? थैंक यू कैसे बोलो? मायरा बोलो थैंक यू, थैंक यू, लव यू। दूध पी रही है, यहाँ पे रखी है मायरा की गाड़ी जो दीपू ने मायरा को गिफ्ट करी है। और मैंने क्या गिफ्ट करा है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, देती हूँ अभी थोड़ी देर में, जैसे ही तमन्ना आएगी। तमन्ना गई हुई है ना जसमीत की ड्रेस स्टी माइनिंग पे गई हुई है उससे लेने, और मायरा भी फीड कर रही है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आई हाय, आई हाय, आई हाय। मायरा की डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है बैंक्वेट में, और वहाँ दीपू ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जो भी हो रहा है। दीपू को मैंने बोला थोड़ी सी क्लिप्स शूट करने के लिए, अदरवाइज मैं तो जाऊँगी 5:30 बजे तक अच्छे से प्रॉपर शूट करने के लिए। हाय, हो सकता है इस वाले व्लॉग के मुझे 2 या 3 पार्ट करने पड़ जाएं, और बिकॉज मैं प्रॉपर सब कुछ शूट करना चाहती हूँ ताकि मायरा भी कल को बड़े होके देखे तो वो कुछ भी कोई भी मेमोरी उससे मिस ना हो। जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी। ओके सो गाइस, हेयर स्टाइलिस्ट आ गए हैं, मेरा हेयर स्टाइल स्टार्ट हो रहा है। मायरा दादी के पास है, तमन्ना केक खा रही है और मैं अपना हेयर स्टाइल करवाने जा रही हूँ। फाइनली टाइम क्या हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट 4:30। अभी यहाँ पे ना एक बहुत अजीब सी चीज़ हो रही है, भैया ने जैसे ही मेरे बालों को छुआ ना इतनी तेज़ करंट लगा भैया को भी मुझे भी और वो अब मतलब गैप के बाद जब भी टच कर रहे हैं ना बालों को तो भैया कह रहे हैं अरे मैडम करंट क्यों मार रहे हो। वो होता नहीं सिंथेटिक ऐसा कुछ पहनो तो उससे कुछ ऐसे कुछ रेज वगैरह का कुछ होता है, आई डोंट नो मुझे पक्का नहीं पता क्या होता है, एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। आपको पता होगा ऐसा होता है मेरे साथ ना कई बार ब्लैंकेट में भी होता है कि दीपू और मैं ब्लैंकेट में एक दूसरे को ऐसे फिर अगर हल्का सा भी टच करें तो करंट लगता है, या मायरा को भी इतनी बार लगा है, तो वही चीज़ हो रही है। अभी ना मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से हेयर स्टाइल करवा के फाइनल लुक ही आप लोगों को दिखाती हूँ, बिकॉज अगर मैं शूट करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ये देखो। एक तो मायरा जो भी घर में काम हो रहा होता सबकी छोटी हेल्पर बन जाती है, नहीं चाहिए भैया को हेल्प कुछ कर लेंगे वो। गाइस ये देखो क्या मैं ऐसे चली जाऊं आज, तमन्ना ये देख मेरा हेयर स्टाइल, मायरा पीछे पड़ गई भाई, तमन्ना का हेयर स्टाइल तो मैं ही करूंगी, नहीं करवाना तो भी करवाना पड़ेगा। इस लड़की ने सब कुछ बनना है, प्लम्बर का काम होगा तो प्लम्बर भी बनना है, मिस्त्री भी बनना है, हेयर स्टाइलिस्ट भी बनना है, मेकअप आर्टिस्ट भी बनना है। ओए मेरे बच्चे आज बर्थडे है, आज कुछ मत करो, आज सबका बर्थडे है। मायरा का क्या है आज,
अभी तो मेरा हेयर स्टाइल हो गया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, और अब बस हम रेडी होना स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहे हमारे आउटफिट इस बैग में, और मायरा का फुल ऑन मस्ती चल रहा है। सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी फुल रेडी होने के बाद। सो या स्टे ट्यून्ड।